यूपी में कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1175 नए केस सामने आए, जबकि 3646 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि 136 लोगों ने अपनी जान भी गवाई है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर 22877 हो गई है, जिसमें से 12921 होम आइसोलेशन में है। यूपी में कोविड से रिकवरी की दर बढ़कर 97.4% हो गई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 1,94,31,152 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक प्रदेश के 2 जिलों में कोई अन्य मामले सामने नहीं आए हैं। अब तक 65 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। के पश्चात अब तक कुल 16,52,417 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 97.4% चल रहा है। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 136 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,18,714 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 1,35,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें भी थी। अब तक कुल मिलाकर 5,07,23,809 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और विगत 24 घंटों में प्रयोगशालाओं को जनपदों से आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,38,627 सैंपल्स भेजे गए। और अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के केसेस घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 892 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना से जान गई है। 4006 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 19,283 है।